हेलो चिल्ड्रेन होप ऑल ऑफ अस आर डूइंग गुड द टॉपिक दैट वी विल स्टडी टूडे इज कंजंक्शंस नाउ थिंक अंडरलाइन द वर्ड्स दैट आर यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस ये जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं उनमें आप उस वर्ड को अंडरलाइन करें जो यूज होता है दो सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए फॉर एग्जाम्पल शी केम होम अर्ली बट हैड टू लीव अगर हम इसमें देखें तो जो ये वर्ड है ना बट इससे हमने दो सेंटेंसेस को जोड़ा हुआ है शी केम होम अर्ली एक सेंटेंस है शी हैड टू लीव सून हमारा दूसरा सेंटेंस है तो बाकी के सेंटेंसेस में भी आप ऐसे ही ज्वाइनिंग वर्ड्स को अंडरलाइन करें अस डू दिस यूज द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म सेंटेंसेस जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं एंड एल्स बाइल येट और बट इन वर्ड्स को यूज करके आप सेंटेंसेस लिखें नाउ लेट्स रीड व्हाट आर कंजंक्शंस अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस और फ्रेजेस मतलब जिस वर्ड से हम कोई दो सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ते हैं उसको हम कहते हैं कंजंक्शन एग्जांपल्स क्या हैं? इफ बट एंड और येट टेल यूज द फॉलोइंग कन्जंक्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स तो जो आपको कंजंक्शंस दिए गए हैं एंड सो बट और इन कंजंक्शंस को यूज़ करके इन सेंटेंसेस में जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उन्हें फिल करें फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंसेज वेजिटेरियंस ईट वेजिटेबल्स डैश डोंट ईट एनी मीट तो यहाँ डैश में क्या आ जाएगा बट सो वेजिटेरियंस ईट वेजिटेबल्स बट डोंट ईट एनी मीट इसी तरह से आप बाकी के सेंटेंसेस के जो ब्लैंक्स हैं उन्हें फिल करें लेट्स राइट इन दिस एक्सरसाइज ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग कंजंक्शंस आपको दो दो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको कंजंक्शन यूज करके ज्वाइन करें फॉर एग्जाम्पल रायना केम येस्टरडे और दूसरा सेंटेंस क्या है रीटा केम येस्टरडे अब अगर हम इन दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं तो कैसे करेंगे रायना एंड रीटा केम येस्टे तो इसी तरह से आप बाकी के सेंटेंसेस को भी कंजंक्शंस के थ्रू ज्वाइन करें लेट्स एंजॉय यूज द फॉलोइंग कंजंक्शंस टू राइट सेंटेंसेस ऑन द फॉलोइंग टॉपिक अ डे एट स्कूल आपका टॉपिक क्या है अ डे एट स्कूल तो इस टॉपिक के ऊपर आप सेंटेंसेस लिखें और जो आप सेंटेंसेस लिखेंगे उनमें आप ये कंजंक्शंस यूज करें कौन से वाले एंड बट इफ आइदर और बिकॉज सो आई होप चिल्ड्रन दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजंक्शंस इज क्लियर टू ऑल एंड आंसरिंग क्वेश्चन विल नाउ बी ईजी